बंद कमरे का रिश्ता, एक खोखा और लुलुपन का खेल। कभी दोस्ती में मिला खोखा, कभी प्यार में मिला खोखा, और कभी अनजाने में ही मिल गया खोखा। लेकिन उसी खोखे ने बर्बाद कर दी जिंदगी। एक एक कर उसके कमरे में पहुंचती रही लड़कियां, और वो धोखे से तैयार करता रहा उन लड़कियों का अश्लील एमएमएस। कभी मोहब्बत की कसमें खाकर, कभी शादी का वादा कर, वो लड़के अपनी घिनौनी चाल चलते रहे और बनती रही लड़कियों की अश्लील फिल्म। 150 लड़कियों की 150 फिल्म। होटल के एक कमरे में लगा हुआ था कैमरा, और उस कैमरे में कैद हुई है अब तक की सबसे खतरनाक साजिश। वो कैमरा बनाता रहा 64 लड़कियों की अश्लील फिल्में, और किसी को कानों कान खबर नहीं लगी। एक अश्लील तस्वीर ने उस लड़की का छीना मुहाल कर दिया। बंद कमरे में वो आंसू बहाती रही, और दो लड़के मानते रहे उसकी इज्जत की कीमत। दास्तान अलग अलग शहरों की है, अलग अलग लड़कियों की, लेकिन कहानी एक ही है। कहानी दगाबाज की, उन शर्मनाक हरकतों की जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। सबसे पहली दास्तान उन लड़कियों की जिन्हें लड़के ने दिया है जिंदगी का सबसे बड़ा वक्त। प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हें बदनाम करके रहूंगा। मैं हर किसी को बता दूंगी तुम्हारी करतूत। सोच लो, मेरे पास है तुम्हारी वो तस्वीरें। किसी को मत दिखाना प्लीज। उसके लिए तुम्हें देने होंगे मुझे पैसे। मेरे घर वालों को कुछ मत कहना। मैं कह रही हूँ मेरे घर वालों को कुछ मत कहना। तो अपनी सहेली को भी मेरे पास भेजो। वो लड़कियां उस लड़के के सामने इसी तरह चिड़चिड़ाती रही, और वो उन्हें ब्लैकमेल करता रहा। लड़कियां छुटती रही, और वो उनके साथ मनमानी करता रहा, उन्हें बेआबरू कर देने की धमकी देता रहा। लेकिन एक रोज उसके खेल का खुलासा हो गया, और फिर सामने आई दोस्ती, तोहफे और अश्लील एमएमएस की ऐसी दास्तान जिसने पूरे विशाखापट्टनम में फैला दी सनसनी। ये दास्तान है एक ऐसे ब्लैकमेलर की जिसने एक तो नहीं बल्कि न जाने कितनी ही लड़कियों को अपने घिनौने खेल का शिकार बनाया है। दोस्ती, मोहब्बत और भरोसे की आड़ में उन लड़कियों को दिया है जिंदगी का सबसे बड़ा सख्त। ऐसा सख्त जिसने बर्बाद कर दी न जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी। कई तो उसके जुल्मों को खामोश रहकर सहती रही, उसकी हर मांग पूरी करती रही, बदनामी के डर से उसे मुंह मांगे पैसे देती रही, और वो उन लड़कियों को बदनाम करने की धमकी देकर अपनी जेबें भरता रहा, अजियाशी करता रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस ब्लैकमेलर के कमरे में कैद थी उन लड़कियों की ऐसी तस्वीरें जिन्हें उस ब्लैकमेलर ने मोहब्बत का छाता देकर खींचा था। उस ब्लैकमेलर ने उन लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा कर उनके साथ गुजारे अंतरंग लम्हों को कर लिया था अपने कैमरे में कैद, और उनकी तस्वीरों के जरिए वो करता था उन लड़कियों को ब्लैकमेल। दोस्ती, फिर प्यार का खास
कॉलेज में पढ़ती है तो कोई स्कूल, कोई नौकरी करती है तो कोई किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही है। चेहरे अलग अलग है, नाम अलग अलग है, लेकिन सभी लड़कियों का दर्द एक ही है, सभी का गुनाहगार एक ही है, और वो है विशाखापट्टनम का रहने वाला शेषक। नाम है साई किरण। ये वो शातिर ब्लैकमेलर है जो मीठी मीठी बातें बनाने में माहिर है, प्यार का जाल खींचने में इसे महारत हासिल है, और इसी बात का फायदा उठाकर साई किरण भोली भरी लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। और इनके खेल में इसका सबसे बड़ा हथियार होता था इंटरनेट। जी हाँ, ये सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए लड़कियों की तलाश करता था, चैटिंग करके उनके साथ दोस्ती बनाता था, और जब दोस्ती कैसी हो जाती थी तो ये उन लड़कियों का फोन नंबर देकर उनसे मीठी मीठी बातें करता था। लड़कियां इसकी बातों के जाल में फंस जाती थी, और फिर शातिर साई किरण चलता था अपनी अगली जा, जिन लड़कियों को अपने कमरे में बुलाता था, और फिर वहां उनके साथ बिताए अंतरंग लड़कों को कैमरे में कैद कर लेता था। लड़कियों के इरादों से अनजान होती थी, लेकिन उसके बाद शुरू होता था साई किरण का असली खेल, जो उन लड़कियों को उनकी उन तस्वीरों के जरिए बदनाम करने की धमकी देता था, उन्हें ब्लैकमेल करता था, और बदले में उनसे मांगता था मोटी रकम। प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हें बदनाम करके रहूंगा। मैं हर किसी को बता दूंगी तुम्हारी करतूत। सोच लो, मेरे पास है तुम्हारी वो तस्वीरें। किसी को मत दिखाना प्लीज। उसके लिए तुम्हें देने होंगे मुझे पैसे। बदनामी के डर से लड़कियां खामोश रहती, और उसकी खामोशी का फायदा उठाकर साई किरण उनसे पैसे ऐंठता था, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारता था, और तो और शिकार बनी लड़कियों को पूरे इलाके में बेआबरू करने की धमकी देकर वो उन्हें अपने पास दूसरी लड़कियों को भेजने के लिए भी मजबूर करता था। घर वालों को कुछ मत कहना। मैं कह रही हूँ मेरे घर वालों को कुछ मत कहना। तो अपनी सहेली को भी मेरे पास भेजो। साई किरण पिछले 4 सालों से इसी तरह भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसा कर ब्लैकमेल का खेल खेल रहा था, लेकिन एक रोज इसके जाल में फंसी एक लड़की के माँ बाप ने साई किरण की शिकायत पुलिस से कर दी, और फिर बेनकाब हो गया इस शख्स का चेहरा। बाद में पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के धंधे में साई किरण का साथ देने वाले उसके एक साथी को भी गिरफ्तार कर दिया। चाला अवसर కోర్టు లో శిక్షలు పడాలంటే ఇటువంటి ఎవిడెన్సెస్ చాలా అవసరం. అప్పుడే కోర్టులో విచారణ సరిగ్గా జరిగి ఇట్లాంటి వాళ్ళని ఆట కట్టడం జరుగుతుంది. లేకపోతే ఇలాంటి వాళ్ళు యథేచ్ఛగా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూనే ఉంటారు. పులిస్ ఆఫ్ సాయి కిరణ్ కే సాథి ఉస్కే సాథి సే భీ పూచ్తాచ్ కర్ రహీ హై తాకి యే పతా లగాయా జా సకే కి ఇన్ లోగో నే అబ్ తక్ కిత్నీ లడ్కియోం కో అప్నా శికార్ బనాయా హై. హమ్ సభీ కే లియే విశాఖపట్నం సే రఘురామ్ ప్రసాద్ కీ రిపోర్ట్. किसी से शादी का वादा तो किसी से मोहब्बत की बड़ी बड़ी बात है, किसी से प्यार के खातिर